कहीं का वीडियो? वो दूसरे बंदे का सेक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन का वीडियो बनाते हो। कितना कमीशन काटता तू? आधा 50%। साइबर ठगों के ठिकानों पर पत्रिका की दबिश। पहली बार लाइव कैमरे के सामने साइबर ठग। उम्र 12 से 17 साल और करोड़ों की लूट। लूट का जरिया सेक्सटॉर्शन वीडियो। सुबह स्कूल, दोपहर से रात तक कई पैतरों से ठगी। जामताड़ा नहीं, ये है मेवात की कहानी। साइबर ठगी के लिए कुख्यात राजस्थान के मेवात इलाके में 12 से 17 वर्ष उम्र के सैकड़ों नाबालिग ठग देश की हिंदी भाषी बेल्ट के राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। सुबह स्कूल और दोपहर में घर के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सेक्स टॉर्शन के वीडियो बनाने सहित करीब 10 अलग अलग तरीकों से रोजाना हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी इस इलाके से की जा रही है। झारखंड के देवघर और हरियाणा के नूह के बाद डीग और अलवर तीसरे और चौथे नंबर पर साइबर ठगी के नेशनल हब बन चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस इलाके के नाबालिग ठग सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में घरों में बैठकर सेक्स टॉर्शन के वीडियो बनाते हैं और देर रात गैंग के आगाओं के जरिए लोगों को खेत और पहाड़ों से ब्लैकमेल कर धमकाया जाता है। राजस्थान के अलावा हिंदी भाषा अच्छी तरह समझने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों के लोगों को इनका गिरोह ठगता है। गिरोह में अंग्रेजी जानने वाले कुछ नाबालिग ठग भी है जो तेलंगाना सहित दक्षिण भारत और विदेशों तक लोगों को शिकार बना रहे हैं। मजदूरों और गरीब लोगों को 15 से 20 हजार रुपए देकर उनके बैंक खाते खुलवा देते हैं। उनके ATM, चेकबुक, पासबुक, सब दस्तावेज शेरा की गैंग के पास होते हैं। पत्रिका के वरिष्ठ रिपोर्टर विकास जैन और मुकेश शर्मा ने 4 रात और 5 दिन मेवात के भरतपुर और डीग जिलों के दुर्गम इलाकों में इन ठगों के बीच रहकर घेराबंदी की। स्थानीय सूत्रों के जरिए रात के अंधेरे में खेतों में बैठकर सेक्स टॉर्शन के वीडियो बनाते, युवतियां बनकर लोगों से फेसबुक चैटिंग करते और ऑनलाइन ठगी के पैतरे अपनाते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इनकी उम्र पूछी तो चौंकाने वाला जवाब, मात्र 12 से 17 साल। इनके मोबाइल चेक किए तो फुल पोर्न वीडियो इनके मोबाइल गैलरी में मिले। मोबाइल में चैटिंग के स्क्रीनशॉट मिले। इन्होंने स्वीकार किया कि उनके यहाँ गांव के आधे से ज्यादा लोग यही काम करते हैं। पार्टी छेड़ता है, मतलब दुकानदार आने के लिए पार्टी उनको छेड़ता है। जिनसे ठगी करते हो? जिनसे ठगी करते हो, साइबर करते हैं। तो वो क्या करता है, किसे छेड़ता है पार्टी? वो साइबर से धमकी देता है। अरे वो धमकाता है उनको कि मैं तुम्हारे मैं खुद को क्या बताता है वो? मैं साइबर से बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम आपका इधर आया है, अभी कंप्लेन आई है। अच्छा, तो तुम सब उसी के लिए काम करते हो? उसी के लिए करते। उसको उसको कितना परसेंट मिलता है? सारा पैसा तो उसी के पास जाता होगा। नहीं, वो 50% वो लेता है। हाँ, 50% लेता है वो। 50% वो ले लेता है। 1 लाख रुपए की ठगी करी तो 50% उसके पास चला गया, 50,000 रुपए। और फिर वो लेता है जो पैसा निकालता है। और जो पैसे निकालता है वो भी लेता है? वो 15%। वो कौन है? तीन ई मित्र वाला। अच्छा, ई मित्र पे? ई मित्र, ई मित्र चलाता है वो? ई मित्र की वो भी इन्वॉल्व है, वो भी उसी गांव का है। कितने साल की उम्र है? मेरी होगी 12-13 साल। 12-13 साल है? 13 साल पता नहीं है तेरे को? नहीं, पक्का नहीं पता। कम तो तू तो काम तो बड़े बड़े कर रहा है। नहीं, इसे काम बड़ा बड़ा नहीं करता सर। जूत नहीं पड़े तेरे कभी? पड़े सर। पड़े? क्या काम कर, क्या करता है तू? कैसे बनाता है वीडियो लोगों की वीडियो से बनाता है। पहले फेसबुक बनाते हैं। हाँ? फेसबुक में फिर फ्रेंड भरते हैं बाहर के। हाँ हाँ। फिर उसको भर के फिर उससे मतलब मैसेंजर पर उसका नंबर लेके उसकी वीडियो बनाते हैं, मतलब व्हाट्सएप नंबर। फेक आईडी बना लेते होंगे वो फेसबुक पे? फेक आईडी बना फिर उसका व्हाट्सएप नंबर लेके फिर उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। अच्छा, क्या कहते हो उसको वीडियो कॉलिंग करके? उसको वीडियो कॉलिंग करके कहते हैं आप तैयार हो सेक्स करने के लिए। अच्छा, फिर वो होता है या बाहर होता है तो नहीं करता है, होता है तो कर लेता है। कर लेता है, फिर उसका तुम वो बना लेते हो? वीडियो बना लेते हैं। फिर क्या करते हो? फिर उससे कहते हैं आपको वीडियो डिलीट करानी है अपलोड।
अच्छा, उसके पैसे मांगते हो उससे? यस। तुम खुद मांगते हो कोई और मांगता है? नहीं, पहले हम मांगते हैं। पहले तुम ही मांगते हो सीधे ही? तो तुम क्या लड़की बन के आवाज बात करते हो? निकाल के बता लड़की की आवाज। हेलो, ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हो? कहाँ से हो? कहाँ के रहने वाले हो आप? तुम्हारी आवाज तो लड़कों जैसी है। मतलब वो समझते नहीं इतना। अच्छा, वो लड़की समझ, लड़की की आवाज में बात करते हो उससे तो फंस जाता है वो? तो कितने लोगों को फंसा चुका अब तक तू? मैं तो सर 15-20 दिन ऐसे कर रहा हूँ, 5-6 लोग फंसे, फिर मैंने छोड़ रखा। अच्छा, 15-20 दिन से कर रहा है? तो तू अभी तो बैठा है यहाँ पे? यस। यस क्या, कितने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? 9वीं क्लास में सर। कॉल आता था, हम उनको गाड़ी का फोटो भेज कर उनसे पैसे डला रहे थे कि ये गाड़ी आपके घर पर आ जाएगी। अच्छा, और गाड़ी नहीं जाती थी, पैसे आ जाते थे। पैसे आ जाते थे तो कितने तक की ठगी कर ली तुमने अब तक ऐसी? सर मंदी बिकती है, 50-60 हज़ार रुपये लास्ट की। 50-60 हज़ार कम में बिकती है वो? जी कम में बिकती है। अच्छा, तो ये कौन से फ़ोन से करते थे? वो नंबर फर्जी होते थे? हाँ, फर्जी नंबर से सर, फर्जी फ़ोन था। फर्जी फ़ोन और फर्जी नंबर कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? वो तो सर बाहर से आते थे। बाहर से कहाँ से? कोई जुरेड़ा साइड से, कोई किधर से, गाँव। वो कौन देता है कोई ना? वो तुम्हारे को फर्जी सिम और मोबाइल ला के देता था? जी सर। अच्छा, तो फिर वो पैसा आता था उसमें से वो भी लेता होगा? हाँ सर, उसी के अकाउंट में डलते थे पैसा। पैसे उसी के अकाउंट में डलते थे जी। फिर वो पैसा तुम्हारे को देता था? हाँ। वो कैसे काट के देता था सर? वो कितना कमीशन काट देता था? आधा हमको देता था। कितना कमीशन काटता था? आधा, 50%। अब आपको बताते हैं कि ये गैंग किस तरह से लोगों को लूट रही है। गैंग का मुख्य सरगना होता है जो फर्जी सिम, मोबाइल और बैंक खाते खुलवाने, ठगी का शिकार बनाने के लिए लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाने का जिम्मा उठाता है। इसके बाद मैसेंजर आता है जो सेक्स टॉर्शन का वीडियो बनाने वाला होता है। फिर नंबर आता है यूट्यूबर, वीडियो को यूट्यूब पर वायरल करने की धमकी देने वाला अफसर दिल्ली सहित अन्य राज्यों का साइबर क्राइम अधिकारी बनकर गिरफ्तार करने की धमकी देने वाला मुखबिर, पुलिस के गांव और जंगल में आने की सूचना देने वाला अन्य सदस्य, एटीएम से पैसे निकालने और मुख्य सरगना के कहने पर गैंग के सदस्यों को उनका हिस्सा पहुंचाने वाले। गैंग पे तो आपने नजर डाल ली, अब आपको ठगी के तरीकों के बारे में बताते हैं जिन तरीकों को अपनाकर आम लोगों से लूट और ठगी की जा रही है। गैंग के बारे में तो आपने जान लिया, अब आपको इनकी ठगी के तरीकों के बारे में बताते हैं जिसमें ये आम लोगों को शिकार बना रहे हैं। सबसे पहला, ये सेक्स टॉर्शन करते हैं। दूसरा, OLX के जरिए। तीसरा, पेंसिल पैकिंग का उद्योग खोलने का लालच। चौथा, स्वास्थ्य बीमा कराने का लालच। पांचवा, कैब बुक कराने की बात करते हैं। छठा, पहचान। सातवा, पशु बेचने। और आठवा, ऑनलाइन और डॉक्टर अपॉइंटमेंट के जरिए ये शिकार बनाते हैं। राजस्थान में मेवात के कई थाने साइबर जालसाजों का गढ़ बन गए हैं। इनमें जुरहरा, कामा, कैथवाड़ा, पहाड़ी, सीकरी, गोपालगढ़, नगर और खो के नाम प्रमुख हैं। देश में साइबर ठगी में जामताड़ा पहले नंबर पर था, लेकिन वहां सख्ती होने पर ठगी में सातवें पायदान पर पहुंच गया। फरवरी 2024 में राजस्थान का डीग देश में पहले पायदान पर पहुंच गया था, लेकिन यहां मार्च से लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस के जरिए सख्ती की गई तो सितंबर में ये तीसरे पायदान पर आ गया। ऐसे में अब जरूरत है कि इन साइबर ठगों पर सख्ती हो, जरूरत है साइबर ठगों और पुलिस की मिलीभगत की पड़ताल करने की, और जरूरत है राजस्थान में भी जामताड़ा मॉडल लागू करने की ताकि आम आदमी की गाड़ी कमाई को बचाया जा सके। पत्रिका के लिए विकास जैन और मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।